हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू हब। यहाँ पर मिलेंगी आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, कटऑफ्स, एग्जाम्स की न्यूज़। तो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हुआ हूँ आरआरबी जेई की जोन वाइज कट ऑफ के साथ, जो 2014 एंड 2015 में क्या कट ऑफ मार्क्स रहे थे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है। तो यहाँ पर रिपोर्ट मैंने 2015 एंड 2014 दोनों ईयर्स की अलग अलग जनरल ओबीसी एससी एसटी की अलग अलग मैंने कट ऑफ यहाँ पर प्रिपेयर की है। तो मैं यहाँ पर लगभग 15-16 जोन की मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, जो कि एकदम एक्यूरेट कट ऑफ है। और बेसिकली ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ये एक्चुअल मार्क्स पर कट ऑफ नहीं है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मतलब जो आपके पेपर का लेवल इक्वल करने के बाद जो कट ऑफ डिसाइड हुई है वो ये है। और आपका जो उस टाइम पेपर हुआ था वो 150 मार्क्स का हुआ था, तो आपके जो एक्चुअल मार्क्स थे वो 150 में से थे, और जो ये कट ऑफ है वो 100 मार्क्स में से डिसाइड की गई है। तो फर्स्ट मैंने आरआरबी अहमदाबाद इसमें जॉइन बताया गया है, तो इसमें जो आरआरबी अहमदाबाद जो जॉन बताया इसमें जनरल की कट ऑफ 64.37 रही है, मतलब ये 100 में से है। तो मतलब आप देख सकते हैं 64.37 100 में से, तो ये 64.37% मार्क्स आपके हुए नॉर्मलाइज होने के बाद। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 150 में से ये 65 अराउंड, तो मतलब 97 मार्क्स के अराउंड आपके होंगे तब आपका सिलेक्शन हुआ होगा। किसी बच्चों को सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं 150 में से 97 मार्क्स। इस बार तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है, पहली बार ही हुआ है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस मार्क्स में आ सकता है। बाकी इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है इतनी कट ऑफ ना जाए, फिर भी आपके लिए एक मोटा मोटा एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ आप देख सकते हैं 61.45 जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी सब मैंने अलग अलग डिफाइन की हुई है। तो आप जिस भी कास्ट या जिस भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया से आप फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी कट ऑफ। आरआरबी मुंबई कट ऑफ 61.52, आरआरबी सिकंदराबाद की 66.28। तो मोस्टली आरआरबी की कट ऑफ जो है वो 61 के अराउंड है, लेकिन कुछ आरआरबी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। जैसे कोलकाता की कट ऑफ तो 58.37 काफ़ी कम हो चुकी है, भोपाल की भी 60.27 है। इसके बाद अजमेर की आप दोबारा देखें 62.26 2015 की है, और 2014 की 69.36 है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है कट ऑफ में। आरआरबी चेन्नई कट ऑफ 59.27 15 में है, और 14 में रही थी ये 63.14। भुवनेश्वर की कट ऑफ 61.32 2015 में, एंड 62.9 में 2014 में है। आरआरबी पटना की देखो कट ऑफ देखिए 79.67 और 2014 में 78.27। ये अभी तक मैंने जितनी भी कट ऑफ देखी है सबसे हाई कट ऑफ आरआरबी पटना में ही गई हुई थी। बेंगलोर की कट ऑफ तो काफ़ी कम 51.37 ही गई थी 2015 में, और 2015 में एग्ज़ाम जो था वो ऑनलाइन था। आरआरबी रांची कट ऑफ 74.56 काफ़ी अच्छी है, मुजफ्फरपुर की भी 74.67 2015 में, और 14 में 73.47, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। आरआरबी गुवाहाटी की भी 70 प्लस है, आरआरबी चंडीगढ़ की भी 70 प्लस दोनों बार, आरआरबी गोरखपुर की भी 70 प्लस। तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कट ऑफ कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता। आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो कट ऑफ्स पर मिलेंगी, पर मेरा तो यही मानना है कि आप कट ऑफ्स के चक्कर में ना पड़े, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। आप बिल्कुल कट ऑफ के लिए परेशान ना हो, आप फुली कंसंट्रेट करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ इतनी तो नहीं रहने वाली, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करें, सोच समझकर फॉर्म फिल करें, ठीक है। इसी तरह मैं आपको भी और भी जानकारी दूंगा, आप प्रिपेयर कैसे करें इसकी मैं जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। थैंक यू।